तो हेलो भाई, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई फ्री फायर मैक्स जो है वो 1 GB और 2 GB रैम में चलेगी या फिर नहीं। क्योंकि भाई वो आजकल ना जो आप 1 GB रैम में अगर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे फ्री फायर मैक्स, तो फिर फ्री फायर मैक्स आ ही नहीं रही है। और वो क्यों नहीं आ रही है? और भाई अगर आप क्रोम से भी कैसे भी कैसे नगर के डाउनलोड कर लेते हो तो फिर भी आप 1 GB रैम में चला पाओगे या फिर नहीं? तो भाई इस वीडियो में ये सारे डाउट्स के ऊपर बात करेंगे, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो 1 GB रैम में जो अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे फ्री फायर मैक्स, तो मतलब फ्री फायर मैक्स आई नहीं रही है। देखो मैं आपको सर्च करके दिखा, ये देखो भाई अगर मैं प्ले स्टोर पर सर्च कर रहा हूँ फ्री फायर मैक्स और फिर सर्च वाले बटन में क्लिक करो, तो देखो फ्री फायर मैक्स आ ही नहीं रही है। फ्री फायर तो आ रही है सिंपल वाली जो मैंने इंस्टॉल भी कर रखी है, पर फ्री फायर मैक्स नहीं आ रही। और अगर भाई मैं जैसे जैसे क्रोम पर भी जाऊँ और क्रोम पर जाकर फिर वहाँ पर लिखूँ फ्री फायर मैक्स, क्योंकि क्रोम पर तो आ जाएगी फ्री फायर मैक्स। और देखो मैं अगर फ्री फायर मैक्स स्क्रॉल करके ऊपर देखो क्लिक करता हूँ फ्री फायर मैक्स पे, तो प्ले स्टोर पर जब रीडायरेक्ट करे तो देखना क्या लिखा हुआ आएगा। तो देखो भाई ये लिखा हुआ आ रहा है कि योर डिवाइस इज नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस वर्जन, मतलब ये आपके मोबाइल के लिए नहीं बनी है। तो भाई अभी इसका सीधा सा आंसर ये है कि भाई जो फ्री फायर मैक्स है वो 1 GB रैम वाला के लिए तो बिल्कुल बनी नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि भाई हाउ मच रैम रिक्वायर फॉर प्लेइंग फ्री फायर मैक्स, तो भाई उधर भी आपको 2 GB रैम ही दिखाएगा। क्योंकि फ्री फायर जो गरेना है ना, गरेना वाली कंपनी, उन्होंने खुद ही ऑफिशियली बताया हुआ है कि भाई फ्री फायर जो सिंपल वाली है उसको खेलने के लिए तो 1 GB रैम चल जाएगी, पर अगर तुम्हें फ्री फायर मैक्स खेलने तो तुम्हारे पास 2 GB रैम कम से कम होनी चाहिए। अगर भाई आप कैसे भी करके किसी और गलत वलत साइट पर जाके और फिर फ्री फायर मैक्स डाउनलोड कर लेते हो ना, और आप कर भी तो डाउनलोड, पर भाई फिर भी अगर वो आपसे ओपन ही नहीं होगी। और भाई जैसे जैसे करके आपने ओपन भी कर लिया तो भी देखो भाई अब उसको कम से कम 2 GB रैम तो चाहिए ही है खाली, और आपके फ़ोन में तो वैसे ही 1 GB रैम है, तो वो इतनी ज़्यादा ही अटक अटक के लगे कि आपको बिल्कुल मज़ा भी नहीं आएगा खेलने में। तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं, और ऐसे ही आप गलत वलत साइट पर जाओगे और कहीं आपके फ़ोन में वायरस वगैरह आ जाए। तो भाई अब आप में से कुछ बंदे क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे हमें नया फ़ोन ले दो। तो भाई अगर आप भी ऐसे करने की सोच रहे हो तो भाई आप ऐसा बिल्कुल मत करना, उनकी भी सिचुएशन समझो। अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो आपको अपने आप ही नहीं ले देंगे फ़ोन। और अगर भाई आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि सबसे सस्ता जो है गेमिंग फ़ोन अगर आपको चाहिए, तो भाई मैं 5-6 फ़ोन आपको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना। क्यों तुम ज़्यादा मत सोचो फ्री फायर मैक्स आ रही है, फ्री फायर मैक्स आ रही है हम खेल नहीं पाएंगे। तो भाई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़े ग्राफिक्स इंक्रीज है और एक नया मॉडल बस, उसमें तो कुछ ज़्यादा ग्राफिक इंक्रीज है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो भाई एक्साइटेड होने की ज़्यादा बात नहीं है। तो बस भाई इस वीडियो में इतने अगर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।